हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएन वाटर। ईवीएन वाटर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है जस्ट बिकॉज विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेटर है वो सिर्फ यही पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही पानी है जो विराट कोहली इस्तेमाल करता है। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं ईवीएन वाटर के बारे में, इसकी खासियत क्या है। और आज मेरे पास ये आया हुआ है तो आज हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इस पानी के पैरामीटर्स क्या है, कि क्या ये पानी अल्कलाइन वाटर है। बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो अल्कलाइन वाटर पीता है। और चलो देखते हैं, हम लोग उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। और जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ओआरपी टेस्ट भी किया जाए, तो हम लोग इसके ऊपर ओआरपी टेस्ट भी करेंगे। हमारे पास पीएच लिक्विड है, पीएच लिक्विड से इसका पीएच चेक करेंगे, साथ में हम लोग इसका टीडीएस चेक करेंगे और ओआरपी मीटर से हम लोग इसका ओआरपी चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे इसकी टेस्ट कैसी है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के पास। इसकी जो प्राइस है, ये बॉटल जो है बहुत छोटी सी बॉटल है, 500 ml की, आधा लीटर की, ये मुझे पड़ी है 400 रुपये की, 400 रुपीज़ की आधा लीटर, मतलब 800 रुपये लीटर पानी है ये, इतना महंगा क्यों है। और चलिए बढ़ते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। कंटेंट्स इसमें बहुत कुछ है। ये बनती है फ्रांस में, ये कहा जाता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ फ्रेंच आल्प्स, वहाँ से आया जाता है। और ये कहते हैं कि पूरी तरह मतलब फ्रेंच आल्प्स में से जो पानी आता है वो रिचेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, मिनरल सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। और बाकी के चीज़ें जो है इसमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट्स है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स है, सल्फाइड्स है, पोटेशियम है, सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स है, फ्लोराइड्स है। तो टीडीएस इसका इन्होंने 345 लिखा गया है। पीएच यहाँ पे मेंशन है 7.2, तो देखते हैं 7.2 इज न्यूट्रल पीएच। तो सबसे पहले क्या टेस्ट करें, सबसे पहले हम लोग इसको टीडीएस टेस्ट करेंगे। तो चलिए खोल दिया है हमने, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और देखते हैं सबसे पहले टीडीएस मीटर से। और थोड़ा सा लेना चाहिए ताकि हमें ओआरपी के लिए भी इस्तेमाल करने को हो जाए। तो अभी टीडीएस मीटर से हम लोग इसका टीडीएस देखते हैं। ओके, इसका टीडीएस है 300, आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 इसका, सॉरी इसका टीडीएस आया हुआ है 300। ओके, तो 300 टीडीएस का पानी है ये। अभी हम लोग इसका ओआरपी चेक करेंगे। तो इसका ओआरपी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप सोचते होंगे कि ये माइनस ओआरपी का पानी होगा तो आप गलत है। आप देख सकते हैं इसका ओआरपी माइनस नहीं है, इसका ओआरपी है +279। तो ये पॉजिटिव ओआरपी का है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। हमारे पास ये हाइड्रोजन वाटर है जो माइनस ओआरपी का है, आप देख सकते हैं। आपको कैलिब्रेशन दिखाने के लिए, मतलब हमारा ओआरपी मीटर चल रहा है दिखाने के लिए, -650 का ये मेरे हाइड्रोजन मशीन का पानी है, जिस हाइड्रोजन मशीन का पानी मैं पीता हूँ। अगर आपको ओआरपी के बारे में जानना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ फिर मैं आपको आई जो रहता है उसमें आपको मैं दिखा दूंगा ओआरपी क्या होता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। तो अभी दो पैरामीटर्स हमारे चेक हो चुके हैं और थर्ड पैरामीटर हमारा पीएच का है। तो पीएच चेक करने के लिए हमारे पास में यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है, जिसको मैंने इस छोटी सी बॉटल में ले लिया है। तो चलिए इसके कुछ बूंदे हम लोग डाल देते हैं। तो कलर जो है, इसका कलर बताएगा कि ये पानी जो है ग्रीनिश कलर का है, यानी कि इसका पीएच 7 to 7.5 के बीच में है, जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है। तो ये पानी अल्कलाइन वाटर नहीं है, ये न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल पीएच पानी है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो अल्कलाइन वाटर पीता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो न्यूट्रल वाटर पीता है। और अभी हम लोग अगले टेस्ट के पास चलेंगे जो होता है टेस्ट एंड स्मेल का। तो चलिए थोड़ा सा पानी हम लोग ले लेते हैं पीने के लिए। और क्या मैं विराट कोहली की तरह सक्सेसफुल बन जाऊंगा ये पानी पी के? पानी पी के कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करूंगा तो ज़रूर बनूंगा, आप मेहनत करेंगे तो आप भी बन सकते हैं, मेहनत और शिद्दत से ही होता है। चलिए पानी देख लेते हैं।
पानी ओडरलेस है, टेस्ट पानी का बहुत स्मूथ है, मिनरल्स आप फील कर सकते हैं, मतलब पीते वक्त जो है मिनरल्स आपको समझ में आते हैं। पानी काफ़ी रिच है, हैवी ज़्यादा है थोड़ा सा, 300 TDS का पानी है, बट इट इज़ वेरी नाइस। तो एज सच जो है इसमें, जैसे मैंने आपको हिमालयन वाटर का बोला था, उसमें मुझे हिमालयन वाटर का स्लाइट टेस्ट आ रहा था, ये पानी पूरी तरह से स्वीट जो है, आफ्टर टेस्ट जो रहता है मुंह में वो छोड़ रहा है। जैसे मुझे हिमालयन वाटर का जो टेस्ट आया था, थोड़ा सा स्वीटनेस, जहाँ पे हमको कैल्शियम अगर पानी में हो तो हमें स्वीटनेस फील होता है पानी का, तो ये मुझे ज़रूर फील हुआ है। तो बॉटल्ड वाटर, अल्कलाइन वाटर जो है ये अल्कलाइन नहीं है और एंटीऑक्सीडेंट वाटर नहीं है, बिकॉज इसका ORP जो है ये प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो बॉटल्ड वाटर में आपको ORP कभी नहीं मिलेगा, आप ध्यान में रखिए। ORP सिर्फ आपको जो लाइव मशीन से पानी निकलता है, हाइड्रोजन रिच हो या आयोनाइजर्स हो, उसमें से ही आपको मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं इस बॉटल को खरीदना, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 400 रुपये, अगर मैं पर्सनली आपको कहूँ कि 400 रुपये का ऐसा क्या है इसमें, तो इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे मिनरल्स जो है वो डाले गए हैं, या फिर जो ये इम्पोर्ट होती है उसके वजह से इसकी प्राइस हो सकती है ज़्यादा। तो कॉमन मैन को ये पानी परड़ने वाली बात नहीं है बिल्कुल। 400 रुपये आधा लीटर का, यानी कि 800 रुपये लीटर का पानी हम लोग रोज नहीं पी सकते, बिकॉज इतना अगर हम लोग पानी के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा बहुत ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पानी है, जो घर में पानी आता है, हम लोग वही पीते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये बॉटल अच्छी लगी होगी, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी EVN वाटर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन जो है क्रिकेटर और फेमस सेलिब्रिटीज़ कोई फेमस वाटर पीते होंगे और आप चाहते होंगे कि मैं भी उसे रिव्यू करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज आज तक किसी ने EVN वाटर पे ORP टेस्ट नहीं किया है। और अगर आप मुझे इस वीडियो को शेयर करेंगे, और भी इस वीडियो को अगर हम लोग 100 लाइक्स तक ले जा सके, तो अगले वीडियो में मैं EVN वाटर का हाइड्रोजन टेस्ट भी करूंगा और देखेंगे कि हाइड्रोजन इस पानी के अंदर है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।